अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सितारा के दस्तरखान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही फ्लफी से बहुत ही सॉफ्ट कपकेक्स, मार्बल कपकेक्स। तो आइए मार्बल कपकेक्स की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे और इनको मैंने तकरीबन 1 मिनट तक बीट करना है। इन अंडों को तकरीबन 1 मिनट तक हम करेंगे बीट। ये हो गया बीट। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी और ये चीनी मेरे पास है 1/2 कप। बिल्कुल मैंने इसको सही नाप के और ऊपर से लेवल करके 1/2 कप ले लिया था। अब मैं इसे इतना बीट करूंगी जब तक कि ये फ्लफी हो जाए। अब यहां पर इसमें मैंने ऐड करना है, ये मेरे पास है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मेयरमेंट्स का ख्याल मैं अच्छे तरीके से रख के बना रही हूँ, तो बेकिंग की जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हमने मेयरमेंट्स का ख्याल रखना होता है ताकि हमारी जो रेसिपी है वो एक्यूरेट बने, बहुत अच्छी सी बने। तो अब इसको मैं दोबारा से कर लूँगी बीट। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये वनीला एसेंस। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक मैंने छन्नी ली है और इसके अंदर मैं छान लूँगी मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये भी मैंने 1 कप लिया है, पूरा लेवल कप लिया है मैंने 1 कप। और इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर छाना और मैं इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसको ऐड करती जाऊँगी, इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा छान लूँगी। मैदा या बेसन अगर आप इस्तेमाल करें तो उसे छान ज़रूर लिया करें। इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास है दूध तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। बस अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये हमारा बैटर जो है अच्छे से हो गया है मिक्स। अब इसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने अलग कर लेना है। इस 2 से 3 टेबलस्पून मैंने अलग कर लिया। अब ये 2 से 3 टेबलस्पून जो मैंने अलग किया था इसके अंदर मैं ये कोको पाउडर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। इसको मैंने मिक्स करना है। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून मिल्क।
अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें मिल्क और ऐड कर दूंगी। ये हमारा रेडी हो गया। अब जिसके अंदर हमने ये कोको पाउडर ऐड किया था उसको हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। और नीचे से हम इसको छोटा सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये लिया मैंने मोल्ड और इसको मैंने कर लेना है ग्रीस। इस मोल्ड को हमने कर लेना है ग्रीस। लगा दी हमने। अब इसके अंदर हम बैटर फिल कर लेंगे। सेट कर लेंगे। ये हमारे सेट हो गए, फिल हो गए। Thank you.
ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तकरीबन हमने ये 10 मिनट के लिए बेक करना है। माशाल्लाह से देखें ये खूबसूरत हमारे कपकेक्स बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको एक अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ, मैं आपको इसका चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने। देखें अंदर से, ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। देखें बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे बने हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप हमारी गलती की भी निशानदेही किया कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, ख़ास तौर पर बेकिंग की वीडियोस को, क्योंकि इनमें चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो दोनों बरकरार रखनी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।